कनाडा और जर्सी जो है वो अपना अपना चैलेंज लीग का जो राउंड है वो जीत कर पहुंच चुके हैं आईसीसी प्लेऑफ में। जी हाँ, और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि जब आईसीसी प्लेऑफ होंगे तो इन दो टीमों में से किनको ओडीआई स्टेटस मिल सकता है, या फिर दोनों को ही मिल जाएगा, या फिर और जो अभी जिनके पास है क्या उनका चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, ये सारे डिस्कशन लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। आप सोच रहे होंगे क्या यार, अब आईसीसी प्लेऑफ की बात अभी से करने लगे, अभी जबकि ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू चल ही रहा है, वहां पर भी अभी कई सारे मैचेस होने हैं। लेकिन देखिए, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में अगर आप देखेंगे इस लास्ट फेज में जो ये तीन चार राउंड का जो फेज रह गया है और जो एक राउंड अभी हुए भी है, इन सब फेजों में सबसे ज्यादा इस पूरे टेबल को हिलाने की अगर किसी के पास राइट्स थे, पावर थे आप कह सकते हैं, तो नेपाल क्रिकेट टीम, क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस उनके बचे हुए थे, उनको अपने होम में भी खेलने थे और कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे मैचेस बचे हुए थे बजाय दूसरी टीमों के। लेकिन उनके रिसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से और जिस तरीके के कंडीशन उनकी टीम की नजर आ रही है, और फिर जैसे कि कोच सर भी कहीं ना कहीं बदल गए, मतलब उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो जिस तरह के माहौल से कहीं ना कहीं क्लियर पता चल रहा है कि बाकी वाले आने वाले मैचेस में भी वो कुछ खास ऐसा कुछ परफॉर्मेंस शायद देखने को ना मिलेगी जिससे बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन करके वर्ल्ड कप टीम वर्ल्ड कप लीग टू में कुछ चेंज दे दूं। लेकिन डेफिनेटली मैचेस के लिहाज से पूरी पावर नेपाल के पास थी कि वो पूरा तरह से इस पूरे टेबल को उलट फेर कर दे स्कॉटलैंड और ओमान को छोड़कर, वो दोनों ऑलरेडी अपना कब्जा जमा चुके हैं। लेकिन नेपाल की खराब परफॉर्मेंस की वजह से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू का जो एक रेस है जो कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग रही है नेपाल की खराब परफॉर्मेंस की वजह से, इसलिए हम प्लेऑफ की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एंड कनाडा और जर्सी अपना अपना लिस्ट जीत गए। कल हमने एक पोल करवाया, हमने आप सबके बीच में एक पोल रखा, एंड उस पोल में क्या रिजल्ट निकल कर आया पहले आपको वो बताते हैं। बिल्कुल, पोल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज कनाडा को दिए हैं, जिनको लगता है कि शायद कनाडा वापस ओडीआई स्टेटस अपना जो है वो गेन कर लेगी। 58% वोटिंग उन्हें मिली है। उसके बाद बात करें जर्सी को, तो 8% वोट मिला है जर्सी को, कि लगता है कि 8% को कि शायद जर्सी वो टीम हो सकती है जिसको ओडीआई स्टेटस मिले, और 7% लोगों को लगता है कि बोथ यानी कि दोनों को ही ओडीआई स्टेटस यहाँ पर मिल सकता है 7% लोगों को। और वहीं पर 27% की अगर हम बात करें तो दोनों कहा है कि किसी को भी नहीं, दोनों में से किसी को भी नहीं, ना कनाडा को ना ही जर्सी को। बिल्कुल, तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं वो है कनाडा को, 58% मिले हैं, उसके बाद जर्सी को उनसे काफी कम मिला। लेकिन उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा वोट मिला है वो है नो वन, यानी कोई किसी को भी नहीं मिलने वाला। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, वो 27% ये कहना चाह रहे हैं कि पीएनजी और नेपाल या यूएसए जो भी वहां पर होते हैं बॉटम सिक्स में, वो अपना ओडीआई स्टेटस बचा लेंगे, उनका कहने का मतलब ये है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कनाडा का जो फॉर्म चला है इस चैलेंज लीग में, उसको देखकर आपको क्या लगता है, किस तरह के मैचेस उन्होंने जीते वगैरह है, और खास करके जो ओमान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस रही है। अब तो आपने अभी वनडे सीरीज को पूरा लगा, लगभग तीनों मैचेस को आपने बहुत अच्छे से देखा और कवर भी किया, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कनाडा कितनी स्ट्रांग कंटेंडर है अगले साल ओडीआई स्टेटस 101% ग्रैब करने को लेकर? जरूर, देखिए कनाडा में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, प्लेयर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके 15 मैचेस खेले थे कनाडा ने जिसमें 13 चैलेंज लीग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 13 मैचेस उन्होंने जीते, एक ही मैच हारा था उसमें, तो यहाँ पर उसके बाद जिस तरीके से ओमान का दौरा किया, फिर एक लंबे वक्त बाद खेलने के लिए आई कनाडा, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म वो कर रहे हैं, इससे साफ है कि प्लेयर्स लोग बहुत लाइटली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को, और स्ट्रिक्टली अपना पैशन के साथ कुछ करना चाहते हैं, कुछ सच में पाना चाहते हैं। वो एक जो उन्होंने खोया था ओडीआई स्टेटस, वो है कि हमें चाहिए, वो एक जज्बा है, जुनून है खेलने का, और सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप खेलते रहिए, बेकार है खेलना। तो वो सीख रहे हैं, और इसका हमने देखा कनाडा आज प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, अपना नाम दर्ज करा चुकी है, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है, 7-8 प्लेयर भरे, बेहतरीन से प्लेयर, तो खैर टीम तो पूरी अच्छी है, लेकिन 7-8 प्लेयर तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, नवनीत धानीवाल, रियान पठान, यहाँ पर आपके एरॉन जॉनसन है, आप प्रगट सिंह आ जाते हैं, हेलेन हेलिजर आ जाते हैं, हर्ष ठाकेर आ जाते हैं, सादिन जफर आ जाते हैं, जेरेमी गॉर्डन आ जाते हैं, तो वाकई कमाल की टीम है, और साथ में प्रोड्यूसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सादिन जफर ने भी ऐसा कहा, प्रोड्यूसर की वजह से आज बहुत अच्छा टीम को एक बूस्टअप मिला है, तो वाकई शानदार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लेऑफ में उम्मीद है कि ये बहुत बहुत सारा हार्ड कॉन्टेस्ट देगी कनाडा। बिल्कुल क्लियर कट है कि यूएसए या फिर नेपाल जो भी पहुंचेगा, और पीएनजी, आप दोनों टीमों को बहुत टफ कंपटीशन यहां मिल रहा है, कम से कम कनाडा की तरफ से, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो रखी है, और रियान पठान अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि प्लेऑफ से पहले वो भी कहीं ना कहीं टीम में जुड़ेंगे, स्क्वाड को और स्ट्रांग और धार धार करेंगे, जाहिर सी बात है उससे पहले वो कुछ
कुछ मैचेस वगैरह जरूर खेलेंगे, वो कनाडा अपना जरूर कोई ना कोई करवा ही लेंगे। उसके बाद यार जर्सी टीम की मैं अगर बात करूँ, उसके बाद उसमें भी चलेंगे कि क्या यूएसए या फिर नेपाल जो भी होगा उन दोनों में से एक और या और पीएनजी क्या ओडीआई स्टेटस बचा पाएंगे, उसके बारे में आगे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन यार जर्सी के बारे में आप क्या कहेंगे, जर्सी की परफॉर्मेंस में हमने देखी है उन्होंने युगांडा केन्या जैसी टीमों को भी अपने चैलेंज लीग के राउंड्स में काफी मात दी है। युगांडा को उनके घर में कहीं ना कहीं मात देने में वो कामयाब रहे हैं, साथ साथ 300 प्लस के उन्होंने कई सारे स्कोर भी इस चैलेंज लीग में लगाए। क्या लगता है आपको, बैटिंग काफी स्ट्रांग है, आशा ट्राइब एक अलग जोन में चलते हैं, लेकिन उसके अलावा और प्लेयर्स को देखते हुए और चैलेंज लीग में परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या लगता है आपको कि जर्सी के चांसेस क्या है और क्या एक सबसे बड़ी दिक्कत उनको हो सकती है या फिर क्या उनकी स्ट्रेंथ है? जरूर देखिए जर्सी टीम भी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर आए हैं कुछ एक टीम बेहतर अपना रिजल्ट दे रही है। 15 में से 11 मैचेस उन्होंने जीते थे, चैलेंज लीग बी की बात करें हम अगर 15 में 11 मैचेस जीते जरूर है कि वो यहाँ पर एक चीज जरूर है कि हम स्ट्रगल करते हुए जरूर देख सकते हैं उनको प्लेऑफ में, क्योंकि जो सामने टीमें हैं वो उनसे थोड़ा बेहतर क्रिकेट खेली हुई है, थोड़ी बेहतर बॉलिंग खेली हुई है। हम बात कर रहे हैं यूएसए की, पीएनजी की, नेपाल की, इन तीनों की खासकर बात कर रहे हैं। यूएई सामना तो उनसे भी होना है। नहीं जरूर जरूर जी हाँ बिल्कुल, तो यूएई भी है तो आप देखिए वे बेटर है उनसे, कहीं गुना ज्यादा आगे है अपना क्रिकेट, वो इस तरीके का क्रिकेट नहीं खेले हैं। चैलेंज लीग में उस तरीके की टीमें, उस तरीके की बॉलिंग लाइनअप आपको मिलती नहीं है जितनी आपको यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग यही टीम एग्जैक्टली वर्ल्ड कप्स खेली हुई होती है, T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्मों पे इन बॉलर्स ने बॉलिंग कराई हुई होती है। यूएई को देखिए आप या आप नेपाल को देखिए, क्योंकि वो टीम 2014 में खेली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी वर्ल्ड कप खेली हुई टीम है। तो एक एक्सपीरियंस जरूर रहता है कि भाई पुराने पुराने प्लेयर हैं, ये हिस्ट्री रहती है। तो उम्मीद कम है कि यहाँ पर जर्सी आएगी डायरेक्ट कुछ कर जाएगी, खलबली मचा देगा, ये उम्मीद कम है यहाँ पर। एक आध एक एक दो मैचेस में अगर अच्छा परफॉर्म कर जाए, अच्छा वो भी मैं जीतने की गारंटी नहीं कह रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर जाए तो हम देखना होगा, देखते ही पता चलेगा। वरना अगर आप बोलेंगे अभी क्या होगा, तो अभी तो नहीं, अभी तो रिजल्ट उनके फेवर में जाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो क्लियर कट है जो दो स्पॉट कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओडिया स्टेटस वाले, उसमें कनाडा तो स्ट्रांग जरूर है लेकिन जर्सी के लिए थोड़ा सा डाउट चीजें जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जर्सी को देखना होगा कि वो इन टीमों के खिलाफ किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाते हैं, खास करके स्पिनर्स के खिलाफ किस तरह से उनका रवैया रहता है वो भी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी ये भी देखना होगा कि प्लेऑफ्स आखिर होने कहां पर है, ऐसा होस्ट क्या यूएई में होने हैं या फिर ओमान में होने हैं या फिर कहीं और किसी और जगह पर होने हैं, ये देखने वाली बात इसमें जरूर हो जाएगी। तो खैर जर्सी के लिए देखना होगा क्या कुछ है, क्योंकि जर्सी के लिए अभी वो है कि अभी वेट एंड वॉच वाला मामला है कि वो इन टीमों के सामने कैसे खेलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कनाडा के साथ वो उनका पास एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग टीम है, तो डेफिनेटली वो काफी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने ओमान के खिलाफ इस तरह से गेम खेला उससे कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर लग जाता है। अब अगर दूसरी टीमों की बात करें, यानी यहाँ पर यूएसए, नेपाल और पीएनजी वगैरह की अगर बात करें, क्योंकि अभी तक ये पता है एक पीएनजी कन्फर्म हो गई है कि उनका ओडीआई स्टेटस अभी के लिए डेंजर में है, लेकिन यूएसए और नेपाल में से कौन पांचवें नंबर पर रहेगा ये अभी बता पाना फिलहाल के लिए मुश्किल है। अब आप अपनी तरफ से एक अलग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन एक अलग चीज होती है, लेकिन टेक्निकली तो भाई अभी भी दोनों रेस में है ना, और यूएई भी कहीं ना कहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे हो क्या, आप यूएई को क्यों नहीं सोच रहे कि वो छठे पे आ सकता है, क्योंकि यूएई का जो परफॉर्मेंस अभी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में रहा है बस उतना ही परफॉर्मेंस उन्हें चाहिए अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, उन्हें कुछ ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उनका 50% विनिंग परसेंटेज इस वक्त चल रहा है, बस उतना ही चाहिए उन्हें, उन्हें 10 पॉइंट मिल जाए, 37 पॉइंट हो जाएंगे जो कि यूएसए से ज्यादा हो जाता है। तो यूएई के लिए अगले 10 में से 5 मैच जीतना इतना टफ बिल्कुल भी नहीं लगता, जहां पर उनके 2 मैचेस तो पीएनजी के खिलाफ है और 2 मैचेस मेरे ख्याल से नेपाल के खिलाफ है, फिर नाइजीरिया के खिलाफ भी 2 मैचेस हो रहे हैं, तो 5 वो मेकअप कर लेंगे, इसलिए हम यूएई को यहां पर नहीं गिन रहे। तो यूएसए और नेपाल में छठे पे कौन रहेगा उससे कहीं ना कहीं पता चलेगा, और नेपाल पीएनजी अपना ओडीआई स्टेटस बचा पाएंगे या नहीं ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि जर्सी और कनाडा कितना स्ट्रांग खेल रहे हैं। लेकिन इतना गारंटी है कि पीएनजी, नेपाल या फिर यूएसए जो भी होती है, इनका अगर सबसे ज्यादा इनको खतरा किसी एक टीम से है तो वो कनाडा से है, गलत नहीं होगा ये कहना? बिल्कुल सही कहा आपने, और कनाडा वाकई में अच्छा कर रही है, उम्मीद है कि प्लेऑफ में और टफ कॉम्पिटिशन देगी, जर्सी भी देगी, यहाँ हम मना नहीं कर रहे हैं कि जर्सी कॉम्पिटिशन नहीं दे सकती, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकती, जबरदस्त खेल सकती है। रिजल्ट्स किस फेवर में जाएंगे यहाँ दिल्ली क्रिकेट बस यही देखने वाला, दिल्ली क्रिकेट जरूर देखेगा इस पर, ये कंक्लूजन हम अभी नहीं निकाल सकते, पर हाँ कॉम्पिटिटिव होगा इस बात की गारंटी दिल्ली क्रिकेट जरूर देता है। बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि आप चैलेंज लीग देख कर आए तो ऐसा तो नहीं है, बना दिए आप सिर्फ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, और कहीं किसी एक टीम का सपना भी ना तोड़ दे ओडीआई स्टेटस टीम के, मैं बात कर रहा हूँ यूएसए, नेपाल या पीएनजी जो भी वहां पर पहुंचते हैं। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। आप भी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए। बाकी पोल के रिजल्ट जो आपने किए थे वो आपके सामने प्रेजेंट किए, ये छोटी सी डिस्कशन थी इसको लेकर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये प्ले ऑफ जो है वो होने वाला है। देखना होगा क्या कुछ उस प्ले ऑफ में हो पाता है, तो इंतजार रहेगा मार्च और अप्रैल का कि जब ये प्ले ऑफ वहाँ पर शुरू होंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। और ईस्ट अफ्रीका कप की भी कवरेज लगातार हम दे रहे हैं, जाकर उन मैचेस का जरूर जरूर सुनिएगा। डेली मैचेस आएंगे, मलेशिया क्वार्टर सीरीज की भी कवरेज आपको लगातार प्रेजेंट करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी एशियन क्रिकेट न्यूज के लिए कम्युनिटी ऐप चेक करना मत भूलिए।